जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया वीडियो के माध्यम से कि सर हमारे बाप दादाओं का पुश्तैनी जगह जमीन है और उसका कोई कागजात नहीं है तो क्या होगा। अगर कागजात है भी तो किसी और के कब्जे में है, जमीन आपका कब्जा किसी और का, किसी के पास खतियान नहीं तो किसी के पास दस्तावेज नहीं, किसी के पास दस्तावेज है तो दाखिल खारिज नहीं, किसी के पास खतियान नहीं, ऐसे स्थिति में क्या करें, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया। तो मैं इस प्रश्नों को लेकर यही वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जिनके पास कागज नहीं है और जिनके पास है और जमीन किसी और के कब्जे में भी है, इस सारी समस्याओं का जड़ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो पूरे ध्यान से पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जिनका प्रश्न है वो तो समझ ही जाएंगे, जिनका नहीं भी प्रश्न है वो भी देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देख लेते हैं तो कभी भविष्य में अगर ऐसा होता है तो आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी स्थिति आपकी नहीं बनेगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे कि चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके मन में अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी जय हिंद लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं। एक प्रश्न आया कि सर मेरे पास कोई दस्तावेज यानी कि खतियान, दस्तावेज किवाला और रसीद यानी कि दाखिल खारिज, कोई मतलब कोई कागज नहीं है, लेकिन मेरे दादा परदादा पुश्तैनी जमीन है, इसको क्या करें, ये मेरा सर्वे में होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न है उनका। तो हम बता दें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपके पास कोई अगर दस्तावेज नहीं है, खतियान नहीं है, दाखिल खारिज का रसीद नहीं है और आपके बाप दादा का जमीन है, पुश्तैनी जमीन है और आपके कब्जे में है तो ये जमीन आपका ही होगा, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, दैट्स ऑल। लेकिन अगला प्रश्न बनता है कि कागजात नहीं है लेकिन सर्वे के समय कागजात अगर ढूंढा जाए तो कैसे होगा, समझ रहे बात को, ये प्रश्न उठती है। तो ये प्रश्न के लिए प्रखंड स्तर पर भूमि सुधार विभाग द्वारा एक शिविर लगाया जाएगा, उस शिविर के माध्यम से आपको कोई भी कागजात अगर चाहिए, भूल गया है, गुम हो गया है, चोरी हो गया, जल गया, कोई नहीं दे रहा है, इसके साथ वहां पर आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब सुनिए। आप जिस प्लॉट का बात कर रहे हैं उस प्लॉट के चौहद्दी में चार प्लॉट का नाम दिया रहता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपके पड़ोस वाले या अगल बगल वाले जो आपके पास का पड़ोसी जमीन होगा उसके प्लॉट नंबर से जा करके आप अपना प्लॉट नंबर ढूंढवा करके उसका कागज आप निकलवा सकते हैं, इतना आसान है। बगल वाले प्लॉट का नंबर उन चाचा से, भैया से, दादा से जाकर के पूछ करके उनके कागज में जान करके, क्योंकि उनके चौहद्दी के बगल में आप है और आपके चौहद्दी के बगल में वो है, तो जब आपका जमीन खरीदाया होगा तो उनका चौहद्दी दिया गया होगा और जब उनका खरीदाया होगा तो इनका दिया गया होगा। तो जब इनके दादा या चाचा भैया जो भी लगते हैं इनके पास जाकर के इनका दस्तावेज पढ़िएगा तो आपके दादा का, परदादा का जो जिनका नाम होगा उस दस्तावेज के चौहद्दी में डाला गया होगा, लेकिन उसी नाम के चौहद्दी से या उसी प्लॉट के बगल में ये प्लॉट है तो उसका नंबर भी आपको मिल जाएगा। उस नंबर से और उस नाम से आप वहां पर शिकायत दर्ज करा के अपना दस्तावेज खतियान निकलवा सकते हैं। बात समझ रहे बात को, अगर ये बात समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में मिलते रहता है। अब बात करते हैं कि ये जमीन मान लीजिए कि सब कुछ है, दस्तावेज सब कुछ है आपके पास, लेकिन जमीन आपके कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कागजात आपके पास है, दस्तावेज आपके पास है, आपके पुरखों का जमीन है तो, लेकिन कब्जा किसी और का है, इतना बात है।
लेकिन उस कब्जे से आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी समय से चूक गए, आप किसी समय से कमजोर हैं, वीक है, और वो आदमी समझिए कि मजबूत है, स्ट्रांग है, दबंगई है, लाठी के बल पर, रिवॉल्वर के बल पर, जो भी कहिए, पैसा के बल पर, राजनीति के बल पर, चाहे किसी पावर के बल पर आपको धमका करके कब्जा कर लिया है। तो आप डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस सर्वे का नाम दिया गया है विशेष भूमि सर्वेक्षण, क्योंकि ऐसे ऐसे ही मुद्दा को निपटाने के लिए इस सिस्टम को चालू किया गया है। क्योंकि जो गलत तरीके से कब्जा किया है उन्हीं को उस पर से भगाना है, और जो सही स्वामित्व है, जो सही अधिकार वाले व्यक्ति है, उनको जमीन दिलाना है। तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिए कि मेरा कागज है और जमीन किसी और के कब्जे में है तो आपका जमीन नहीं होगा, आपका जमीन होगा, इसलिए टेंशन नहीं है। और जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए बता दिए कि आपको क्या करना होगा। तो सबसे आसान आपका तरीका वही है, आपको डरने की आवश्यकता कुछ नहीं है। आप शांति से बैठिए, जो कार्यक्रम बताए हैं इस काम को कीजिए, आपका दस्तावेज मिल जाएगा, खतियान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, जैसे चाहिएगा आपके मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, दौड़ना होगा, क्योंकि बिन मेहनत के कुछ नहीं होता है।